The best hairline artist. What's up everyone, this is Ashish Bhardwaj. I'm an anchor and a professional actor. So guys, आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही important news share करने वाला हूँ और एक जगह दिखाने वाला हूँ. So guys, आप सभी को मैं लेकर जा रहा हूँ India's number one, the best and the best luxurious hair transplant clinic in India and the world itself. Let's welcome IFT Hair Science. So guys, as you all know, we are finally here at IFT Hair Science. और आप सभी सोच रहे होंगे आज मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ. So guys, देखिए एक इंडिया में नहीं वर्ल्ड में मैं तो कहूँगा, चलो पहले इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में मुझे लगता है कि 30-40% लोग आजकल हेयर फॉल, हेयर लॉस और रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं. तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किसी भी इंसान के लिए उसके बाल उसके 70% लुक का हिस्सा होता है. मतलब बालों का जो लुक है ना वो 70% आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपके 70% लुक आपके बालों से आता है. तो गाइज आज यहाँ पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि मैंने इस क्लिनिक के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है और स्पेशली मेरा खुद का एक फ्रेंड है, उसने भी यहाँ से ही हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है. उसका रिजल्ट अमेजिंग है, मतलब मैं उसको देख के बता नहीं पाता कि उसने हेयर ट्रांसप्लांट कराया. तो जैसे कि हम रिसेप्शन एरिया में आ गए, मुझे अंदर आती एकदम फीलिंग आ गई कि यार अंदर जो माहौल होने वाला है वो बहुत ही फैंटास्टिक होने वाला है. सो चलिए अब एक काम करते हैं, आपको ज़्यादा बातें ना करते हुए थोड़ा IFT क्लिनिक का टूर देते हैं कि भाई यहाँ पर क्या क्या होने वाला है, डॉक्टर्स कौन कौन हैं, क्या क्या स्पेशलिटी यूज़ करते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं. तो चलिए लेट्स फाइंड आउट, लेट्स गो. तो आपसे मैं वन बाय वन मिलवाता हूँ सबसे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डॉक्टर विकास, आर मेडिकल डायरेक्टर ऑफ IFT हेयर साइंस. और अब हम आगे बढ़ते हैं. तो हमारे साथ हैं द वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर HS शर्मा, आर एडमिन डायरेक्टर ऑफ IFT हेयर साइंस. सो वी हैव डॉक्टर प्रियंका विद अस, शी इज आर डर्मेटोलॉजिस्ट ऑफ IFT हेयर साइंस, वेरी एक्सपीरियंस्ड. And we have Dr. Sachin Bansal, and he is very experienced and anesthetic doctor. जो भी आपको surgery से पहले आपको anesthesia दिया जाता है वो हमारे experienced Dr. Sachin Bansal द्वारा दिया जाता है. So guys, अब हम बात करते हैं IFT Hair Science के PRP room के बारे में. अब आपको PRP room दिखाते भी हैं और बताते भी हैं कि वहाँ पे PRP कैसे की जाती है और PRP के actual uses क्या क्या है. So let's explore. सो गाइज हम फाइनली आ गए हैं हमारे IFT हेयर साइंस के PRP रूम में. सो आप देख पा रहे हैं वी हैव अ वेरी फेमस एंड नंबर वन PRP मशीन इन वर्ल्ड इटसेल्फ एंड इट कॉल्ड रेमी. तो ये मशीन सबसे बेस्ट है और ये मशीन सिर्फ और सिर्फ आपको IFT हेयर साइंस में ही मिलती है. ऐसे बहुत सारे क्लिनिक्स में अलग अलग मशीन होती है बट रेमी इज वन ऑफ द बेस्ट मशीन इन वर्ल्ड सेल्फ. सो आपको PRP के मैं यूजेस बता देता हूँ. अगर आपको हेयर ट्रांसफर आपने करवाया है तब भी आप PRP ले सकते हैं फॉर द हेल्दी हेयर. अगर आपके हेयर लॉस है या फिर हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है तब भी आप PRP ले सकते हैं. PRP आपके बालों को बहुत स्ट्रांग बनाती है और घना बनाने में मदद करती है. सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स हैं हमारे यहाँ पे सब. और मेन बात, IFT हेयर साइंस हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है. अगर एक बार कोई सिरिंज किसी पेशेंट को हम यूज़ करते हैं तो हमको डायरेक्टली थ्रो करते हैं दूसरे पेशेंट के पास, वो सिरिंज पास तक नहीं जाती है. सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट IFT हेयर साइंस. और सो गाइज हम सभी आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे और यहाँ पे हमारा है OT कॉम्प्लेक्स. तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अलग अलग तीन OT रूम्स हैं, प्रोसीजर रूम्स हैं जहाँ पर पेशेंट के सर्जरी की जाती है, प्रोसीजर पूरा होता है. सो ये सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ की ये लगी कि यहाँ पे इनके पास डिफरेंट रूम्स हैं. लाइक किसी भी पेशेंट को वेट करने की ज़रूरत नहीं है, हर एक पेशेंट अपने अलग रूम में उसका प्रोसीजर होता है, उसकी सर्जरी की जाती है. तो दैट्स अ रियली बिग थिंग. सो गाइज बिफोर OT रूम हम आपको दिखाते हैं प्री OT रूम्स. अब प्री OT रूम्स में क्या होता है, यहाँ पर पेशेंट्स के जब भी सर्जरी होती है तो उसके हेयर रिमूव किए जाते हैं. तो उसके हम अच्छे सैनिटाइज ट्रिमर से पेशेंट के हेयर रिमूव करते हैं, उसकी फोटोग्राफ्स लेते हैं, उसका मेजरमेंट लेते हैं बालों का, कैसे उसकी हेयरलाइन चाहिए उससे पूछते हैं. और ये सबसे बड़ी बात IFT हेयर साइंस की ये है कि वो पेशेंट से पूछते हैं कि आपको कैसी हेयरलाइन चाहिए. सो जो हमारा प्री OP रूम है उसमें वही सब डिस्कशन होता है और सारी चीज़ें होती हैं. और उसके बाद हमारा स्टाफ रूम है जहाँ पर अदर एक्टिविटीज़ होती हैं. एंड वी हैव आवर चेंजिंग रूम. सो इस चेंजिंग रूम में देख पा रहे हैं आप हमारे पास बहुत सारे क्लोथ्स हैं, बहुत हाइजीनिक क्लोथ्स हैं जिसको हम पेशेंट को दिए जाते हैं. और जो हमारे ओके तो गाइस फाइनली हमने हमारा चेंजिंग रूम यहाँ पर देख लिया है. अब हम बढ़ रहे हैं हमारे IFT हेयर साइंस के हेयर वॉश सेक्शन में.
सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं वी हैव द वर्ल्ड क्लास हेयर वॉश इक्विपमेंट ओवर हियर। और ये यहाँ पर क्यों है, क्योंकि सर्जरी से पहले पेशेंट के हेड को अच्छे से वॉश किया जाता है, वो भी मेडिकल शैम्पूज के द्वारा। तो ये चीज मुझे IFT हेयर साइंस की बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक को विजिट किया है, वहां पर मुझे ऐसी फैसिलिटीज आज तक देखने को नहीं मिली है। सो अ बिग बिग थम्स अप फॉर IFT हेयर साइंस फॉर दिस थिंग, लेटेस्ट एंड बेस्ट मशीन्स ओवर हियर। और इन मशीन्स के द्वारा सभी पेशेंट्स का यहाँ पर सर्जरी होता है, बहुत सक्सेसफुली सर्जरी की जाती है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं वी हैव आवर मॉनिटर, जहाँ पे हम मॉनिटर करते हैं हमारे पेशेंट्स का BP, उसका ऑक्सीजन लेवल, उसकी पल्स रेट, सब कुछ हम हमारे मॉनिटर पे यहाँ पे मेजर करते हैं। और ड्यूरिंग द सर्जरी अगर हमारे पेशेंट को किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इमरजेंसी होती है, तो वी हैव ऑल द मेडिसिन ओवर हियर। वी हैव अ मेडिसिन ट्रॉली, मेडिसिन बॉक्स, आपको यहाँ पे सभी तरह की मेडिसिन यहाँ पे प्रोवाइड होती है। पेशेंट को किसी भी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड वी हैव अ ऑक्सीजन सिलेंडर। सो अब मुझे ये चीज इसलिए पता पड़ गई है कि why IFT हेयर साइंस इज अ नंबर वन हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक इन इंडिया, क्योंकि दे आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग, यू नो, पेशेंट को किसी भी चीज की प्रॉब्लम होनी ही नहीं है। सो गाइज IFT हेयर साइंस इज द बेस्ट, मैं तो उसको मान गया हूं कि बेस्ट है। और यहां पर आपको बेस्ट टू बेस्ट हेयर लाइन मिलती है, नेचुरल हेयर लाइन मिलती है। और मैं आपको बता दूं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको आ जाना है सीधे ही जयपुर राजस्थान में, चाहे आप इस देश के दुनिया के किसी भी कोने में हो। आपको कहां पर आना है, आपको यहां पर आना है, इधर आओ, आपको यहां पर आना है।